Assalamu alaikum. Hello and welcome. This is Mast FM 103 Network, Karachi, Lahore, Faisalabad, Multan, Islamabad. Mera naam Azhar. Oye, utar chadao check kar rahe hain. Jaise achanak se koi chutki leta hai, aage kya? Nahi, sab theek hai. बंदा नींद से उठे तो ऐसी आवाज आती है. जी जी, जैसा देश वैसी बेस. एक तो मैं हर चीज आप लोगों को बताया, तो बस एक दो चीजें रह गई, बाकी तो सभी बता देता हूं. कब सोया, कब उठा, कब जागा, क्या किया क्या नहीं, क्यों बताता हूं मैं. ऐसे आप लोग हैं ही इतने अच्छे, माशाल्लाह, बहुत प्यारे. एक दो को छोड़ के तो जी आज के शो का आगाज करेंगे. उम्मीद ये रखेंगे अच्छा वक्त गुजरेगा आपको और हमारा. जी हाँ, बहुत अच्छा भैया, माशाल्लाह, जबरदस्त. सो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, लेट्स गो. Oh,
आंखों के सागर ले डूबे हमें, यहाँ पे सॉन्ग में आपको क्या चीज लेके डूबी है? ज्यादातर तो मुझे लगता है कि आप किसी को लेके डूबे, इतने होशियार लोग, तौबा तौबा। याद और खारिश बहुत सताती है जी जी, अब कैसा मिला है मुझे नहीं पता। तो मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी भाई इस वक्त जो ना सख्त मसले में मुब्तला है, कुछ 735 मैसेज कर दिए कि भाई ये वाला गाना चला दे। सवर भाई सुकून, कोई कहे ना यार नींद में बस आंखें नहीं खुल रही, तुम लोगों के सामने लाके उसको बिठा देना चाहिए, ऐसी आंखें खोलोगे ना दो मिनट में ऐसे सवाल पूछ के। फिर उबैद गया साहब है, और कहां है आजकल? मैं तीसरी गली के चौथे नुक्कड़ पे खड़ा हूं, आप मिले नहीं मुझे, वरना मैं आपको बता देता। दोस्तों की सालगिरह है, हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बहुत सारे लोग जो है इस वक्त जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या बोलूं तुम लोगों, ऐसी क्या क्या बातें करूं रश्मि के, तुम लोग बस एक मिनट यार चाय पियो। आंख की एक पिंपड़ी तो खुली, पिंपड़ी पिंपड़ी क्या होती पता नहीं। देखिए जी अब भंड बहुत सारे एक्सपेक्टेड है मुझसे आज, तो संभाल लेना। तुम लोग कौन से नील के दुले हो जाता है सबसे भाई, मुझसे भी हो जाता है, मुझसे थोड़े ज्यादा होते हैं, क्या क्या मतलब, कोई मसला नहीं।
शबना सलमान आ गई है शादी में सोके, कोर में खाके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के। कलम ने कहा था कि भाई जो हमारे साथ लोग होते हैं, भाई सुना गया भाई कहाँ से आ गया, हो जाता है। तो गाइस क्या बोलूं तुम लोगों को, तो हमने कहा था कि ये जो है ना हमारे कजन्स है, आप लोग जी हम लोग आपस में कजन्स हैं। फिर मैंने सोचा यार ये किस तरह के कजन है, हर तरह के कजन, वैशी कजन, मजबूर कजन, अमीर कजन, गरीब कजन, कजन ही कजन, दरदरा कजन, गले पड़ कजन, सुतेले कजन, किस किस तरह के कजन है आप लोग। और पेट्रियंस वाले बहुत अच्छे कजन, भूखे कजन, नदीदे कजन, शदीद सिंगल कजन, ओए ओए किस किस तरह के कजन हो सकते हैं, जरा बताइए बताइए। अच्छा आ रहा है मजबूर कजन, ढीट कजन, अम्मी की तरफ के कजन, मजबूर गरीब कजन, बेढंगे कजन, धोखी कजन। उबैद गया साहब ने देखा ना, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है बंदा, दुनिया में एक ही बंदे ने मुझे पहचाना, उसका नाम है उबैद गयास। अरे अजहर भाई यू आर सो क्यूट, क्या बात है, शुक्र है मैं इसके पास नहीं हूं ना, गाल पकड़ के कुल कुल करता मेरे, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया उबैद गयास भाई। नैना बाग छछोरे कजन, प्यारे कजन हो, आप गुरु काटू कजन, जंगली कजन, माम शागेरिया दिल फेंक कजन, प्यारे कजन, बेसबरा कजन, तुम्हारा नाम खारशी कजन है, बेशरम कजन, ओए ओए मारियो से माजूम कजन, हीट नेपोटिज्म कजन। अब आपने खुद ही चेक कर लिया ना हालात किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इतनी सारी चीजों में अब एक बुरी खबर ये हुई यार कि पीएसएल कैंसिल हो गया, बिकॉज जो बायो बबल क्रिएट किया गया था उसकी ब्रीच हो गई, एंड ज्यादा लोग जो है और प्लेयर्स इनफैक्ट वो बीमार होना शुरू हुए और इस वजह से पीएसएल कैंसिल हो गया। पिछले साल भी यही हुआ था एंड इस साल भी, चले पिछले साल तो चले एक चीज नई थी, समझ में आती है बात यार, लेकिन इतने बड़े लेवल पे एक टूर्नामेंट हो रहा है और आसपास बड़े टूर्नामेंट हुए हैं। अभी T10 हुआ अबू धाबी में, काफी और वो होते वहां, वो लोग चीजें फॉलो करते हैं, अब वो हम कहते हैं ना SOPs को फॉलो करें भाई, लेकिन कहां से, हमारा जुगाड़ हर चीज में चलती है, तो यहां भी कोई जुगाड़ चल गई होगी, लोग आप बाहर आ जा रहे होंगे बायो बबल से। ये बायो बबल आपके वो नहीं है जो आप अपने मुंह में रख के ऐसे करके फूंक करके फुलाते हैं, पहले ही कुप्पा होते हैं डबल कुप्पा हो जाते हैं।
तो नतीजतन पीएसएल कैंसिल हो गया यार। एक ही तो साल में खुशी मिलती है हम लोगों को, और अभी तो क्वेटा ने जीतना शुरू किया था, अब आगे देखते क्या होता। सारा मोशन तोड़ दिया, अब नया मोशन कितने का आएगा आई डोंट नो, आई नो इट्स अ बैड जोक बट है। मतलब पोस्टपोन हो गया, अब पता नहीं कब होगा, मोशन तोड़ दिया सारा। असल बात मोशन की है, समझ रहे हो ना बात। जी अच्छा, जहां और कजन से वहां नफसियाती कजन भी है। एमन ने सही याद दिलाया, ऐसे ऐसे नफसियाती कजन भाई। और जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो आप हर किसी की एक्सेस में होते हैं, ऐसे ऐसे भाई इनबॉक्स आएंगे, इनबॉक्स जल जाता है भाई। आप ऐसे उसके बाद पूरा लिख के जब पूछा था भाई क्या मसला क्या है, बस कुछ नहीं, ऐसे ही तंग कर रहे थे आपको, देख रहे थे आप जवाब देते कि नहीं देते, चेक करो चला क्या। जी हाँ, छे से चला के छह से चेक करना, छे से चम्मच, आगे बता नहीं सकता मैं आपको। कदरिया है रुक जाना है, कदरिया है रुक जाना है, कदरिया है। तो कजन्स की जो किस्में हैं वो चल रही है साथ साथ, जिंदगी अजाब कजन, रडार कजन। जी हाँ, ये जो रडार कजन होते हैं ना, ये जिंदगी अजाब करने में पेश पेश होते हैं। इनकी ना जेर होती है ना जबर होता है, सिर्फ पेश होता है। बारीकी समझ रहे हैं आप। I'm
all up in my bones. Oh, see your chatty girl is not even frozen. वैसे तो कह रहे इश्क पे जोर नहीं, खुद जोर खुद लगा रहे यहाँ पे. क्या हो गया भाई? कोई हाँ कोई दही खाओ, दही. हाँ पकड़ में आ गए यार. बस कर भाई बस कर जी. आपको तबखीरे मैदा की शिकायत है, जरा चेक. जी हाँ, गाउजबान अतरीफुल गुलगुली पीजिए 3 दफा. हाँ, गर्म पानी को ठंडा करके ना उसमें पिया. क्या आपको भी इतनी? अच्छा अली सईद कब्ज वाले कजन, अली सईद तिलों वाले कजन, जहरीले कजन, ब्रेकिंग न्यूज कजन. अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज वाले तो आपको जो है ये आपके जानने वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में हर जगह मिलेंगे, जो कि समझते हैं कि सारी ब्रेकिंग न्यूज मतलब कोई नई खबर उन्हीं के पास होती है और किसी के पास होती नहीं. तुम्हें पता है आगाज ऐसे करेगा, तुम्हें पता है? नहीं भाई नहीं पता, आप बता दें. ये ना ऐसा होगा और खबर भी गलत होगी और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, बताएंगे कि बिल्कुल ये सामने खड़े हुए थे और ये चीज हो रही थी, या ये अंदर के है मतलब ये उस मीटिंग में शामिल थे. इतना कॉन्फिडेंस. ओए होए हमी ने कजन. हाँ जी, क्राइम पार्टनर्स कजन ये भी होते हैं. ये वैसे अच्छे लोग होते हैं जो आपके क्राइम में आपके साथ होते हैं, साथ देते हैं. लेकिन भाई साहब सबसे ज्यादा ट्रीट भी यही लोग लेते हैं. देख ट्रीट दे दे वरना वरना बता दूंगा. We'll be right back.
कजन्स की एग्जाम जारी है। छोड़ू जो है वो भी कजन्स होते हैं। लंबी लंबी फेंकना। अच्छा बंदा यार जब लंबी लंबी फेंक रहा होता है तो कुछ बंदा थोड़ा एहसास थोड़ा वो नहीं बिल्कुल नहीं लंबी जोड़नी है और कॉन्फिडेंस के साथ जी बिल्कुल सही फरमाया अली सैयद आपने फिजाई आलूदगी की तरफ हम जा रहे हैं जी तो आप अपनी फालूदगी जो है ना वो जरा कम करें आलूदगी अच्छा लास्ट वीक हमने आपसे एक चीज डिस्कस की थी और फिर वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वक्त की कमी दरपेश थी आड़े आ गई ओए होए शकील उर्दू वो ये थी कि जो आपके जोरिक साइंस है उनकी लव लाइफ कैसी होती है लव लाइफ के अलावा खास तौर पे वो वाली लाइफ जो हम आपको बता नहीं सकते तो आप कहेंगे आप यहाँ क्यों बता रहे कजन सर हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या हम बताएं या आप डर रहे हैं नहीं भाई मत बताए देख ये मत कर 5 रुपए का एक्स्ट्रा पापड़ खिलाऊंगा मत करे खड़े हो जाते थे हम जहाँ छूने दे
अच्छा सब लोग अब मैं देख रहा हूँ मैसेजेस कि सब लोग अपने अपने स्टार को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, और मेरा स्टार मत बता, बाकी सबको बता दो। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तुम लोगों को बताऊंगा। नहीं कह रही है, सुनील जी वाले कजन भी होते हैं जो उन्हें क्या अफवाह बन जाते हैं लेटर में, अरे छोटी छोटी ख्वाहिशें फाड़ी हो रही है वाले कजन। सही है, मैं पूछ रही हूँ लव लाइफ क्या होती है। जी लव लाइफ वो होती है जिसमें इंसान अपने अकलो शऊर होश और हवास और गर्मी और सर्दी और क्या होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब कुछ खो देता है। और जी यार इतने कजन्स की अकसाम हो सकती है, मैंने सोचा भी था, अब ये तो लगता है कि 5 shows करने पड़ेंगे इस पे, हर कोई कजन्स की वजह से भरा पड़ा है, ऐसा क्यों है। अच्छा कजन कवरिंग के काम भी आता है, वर्ड कजन कवरिंग के काम भी आता है, जी कवर करने के मतलब आप जी कहीं पे हैं किसी के साथ तो वहां पे अचानक से आपको छापा नहीं पड़ा, कोई वैसे मिल गया जानने वाले या... और क्या हो रहा है, सब खैर था उस दिन। यार तुम क्या कर रहे थे वो वहां पे? यार वो कजन के साथ गया था दवाई लेने के लिए, कजन के घर पे कोई घर वाला उनका नहीं है अपना, तुम दवाई लेने गए तो क्या मसला, और ये बर्गर जॉइंट पे कौन सी दवाई मिलती है भाई ये बता दे। हाँ सोया सास जगा के बैठे बर्गर जॉइंट में, अंदर दवाई लेने गए थे, तबीयत खराब थी कजन की, एड्डा तू हमदर्द। जी हाँ कवरिंग में कजन ही वर्ड काम आता है, कजन है यार। अच्छा लोग खामा खामा कुछ लोग कजन भी बना देते ना, किसी को थोड़ी बहुत जान पहचान होगी, अरे वो तो कजन है हमारा, पकड़ लो तो कहते दूर का है, अबे दूर का है पास का हो। भाई ऐसा कहते छोड़ू कजन, हमारे अब्बू जो है ना वो जा रहे थे बाहर जा रहे थे, अपना बटुआ घर पे भूल गए, जहाज घर के ऊपर से गुजरा तो हमने छत पे खड़े हो गए, छत पे रख दिए, छत पे गद्दे रख दिए और अब्बू छलांग लगा के वो ले गए। हाँ भैया से बड़े मिलेंगे आपको। बिल्कुल सही, फिल्मी कजन माम शागिरी फिल्मी, हाँ ये भी होते भाई साहब। आज तुम लोग कोई और बात चलने नहीं दे रहे, कजन्स में इतना फंसे मतलब इतने के सताए हुए हो कजन्स के। अच्छा कुछ कजन इतने छोड़ू होते हैं कि मतलब वो अपना रिश्तेदार बता रहे होते किसी को, भाई अगर आप किसी के कजन है तो वो भी आपका रिश्तेदार होगा दूसरा, नहीं नहीं ये अम्मी की तरफ के रिश्तेदार है। हाँ देख लो भाई बगैर जो है आपके सितारे बताए हुए हम यहाँ तक आ गए, ऑलमोस्ट आधा शो खिंच गया। जी हाँ एमन करिए, हम कौन से कजन है इनमें से, आप सब कुछ मिला के हैं, एक अजीब सा मरगूला है आप, मरगूबा एज़र इन द मिक्स आता ना, आप लोग सब कुछ मिक्स। साइमा अलीम करें गुड फॉर नथिंग कजन, ये होते हैं ये आपके कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन हमेशा आपको ये वैसे नॉर्मल हालात में बताते रहेंगे मैं हूं ना। लेकिन जब वक्त पड़ता है और आप मुड़ के देखते हैं तो कोई होता ही नहीं है, ये तो दोस्तों में भी होता है।
अच्छा कुछ लोग जो है वो ऐसे कजन होते हैं आपका जिनको कजन कहने का दिल ही नहीं करता, आप कहते हैं यार घर वालों से भी आप पूछ रहे होते ना, पहले आप घर वालों से पूछते हैं, उनसे तसल्ली जवाब नहीं मिलता, फिर रिश्तेदारों से पूछते हैं, फिर दूर के रिश्तेदारों से पूछते हैं कि भाई ये वाकई हमारे रिश्तेदार हैं, कहीं से हमारे कजन लगते तो नहीं है, हम इतने सुलझे हुए, इनमें इतना जंगलीपन ये कैसे आ गया, फैमिली में ये कॉन्ट्रास्ट कैसे आया, क्या ये वाकई हमारे कजन है या वो इतने कोई हसीन होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन का जो है कॉम्प्लेक्स वो हम सबको है, बहुत सारे लोगों को, अगर सबको नहीं तो दूसरे का फेयर कॉम्प्लेक्स देखे अक्सर पूछते हैं अम्मा हम किस पे चले गए, अपने ददयाल पे गए और किस पे गए, फिर अम्मा ये मामू इतने काले क्यों, खबरदार ये तो वो धूप में काम करते थे, ये तो ओमान में थे, लाल रेत और ग्रे कलर की रेत अलग अलग करते थे, इसी वजह से बेचारे रंग जल गया मेरे भाई का, वरना तो बहुत प्यारे लोग। अच्छा अच्छा, जितने कोजे होते हैं वो आपके ददयाल के साइड के होते हैं, क्योंकि अम्मा आपको बता रही होती, जितने खूबसूरत लोग होते हैं वो ननियाल के होते हैं, भले एक ही ना हो उसमें खूबसूरत, लेकिन अम्मा की नजर में तो खूबसूरत है वो, और अम्मा ने सिखाया आपने पकड़ लिया, नहीं भाई थी। मेरा भाई तो बस धूप में ऐसे जल गया, वरना तो और इसको ये बीवी पता नहीं ऐसे खा गई इसको, बंदा पूछे कि आंटी आप खुद ही लेकर आई थी, 35 रिश्ते रिजेक्ट करके 36 रिश्ते बैठ गई थी, लेकिन स्याना कौवा कहते हैं ना दोनों डांगों से बचता है, फिर आगे से भी ऐसी मिलती है ना, ओए होए होए, 35 तबक रोशन। अच्छा चाचा मामा ताया और ये सब तो चलता रहता है, इसमें जो अलग सबसे मुकाम होता है ना वो फुफ्फो के बच्चों का, तो उनके जो ना उनकी टशकरियां ही रुकने में नहीं आ रही होती भाई, वो महफिल में अलग ही बैठ रहे होते, अलग ही चल रहे होते, क्यों इकलौती बहन के बच्चे हम लोग, उसका अबे एक 6 भाइयों की एक बहन हूं, खामखा का एडवांटेज, हालत 6 भाइयों की एक बहन है तो आपका इसमें क्या हो, क्या है आपका इसमें, वो तो बस कुदरत की बात है, ये फुप्पो के बच्चों की ना अलग ही टचकरी होती है, कोई खानदान की गैदरिंग होती है उसमें भी अलग अलग, हाँ हाँ फुप्पो की तरफ से, अब ये कौन सी तरफ है, तो कोई तरफ ही नहीं बन रही है, अजीब घरेलू माहौल हो गया, वैसे कजन से शुरू होकर पप्पो पे आ गया, और ज्यादा फड्डे या पंगे, फड्डा नहीं कहते पंगे का चांस जो है वो पप्पो वालों की तरफ से ही होता है, पप्पो तो सबसे पहले पग, एक बहन हूं तुम्हारी गर्दन की बॉडी नहीं डाल सकते थे आपा, गर्दन खत्म हो गई, एक बकरा था एक गर्दन थी, कहां पूरी करता हूं मुझे नहीं पता, गर्दन की बॉडी, और ये खास तौर पे जो है देखने को मिलता है जब कुर्बानी जो होती है उसमें, और जो उसमें हिस्से बनते हैं फुफ्फो वालों को भाई साहब अलग ही हिस्सा होता है ना भाई, देखभाल के एक एक बोटी से चर्बी उतार के, हालांकि कुर्बानी का गोश्त होता है और नाम भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो होता ही बांटने के लिए, लेकिन नहीं पहले फरमाइश है 3 पाए मुझे चाहिए, आप 4 ले जाए, 3 हम क्या, 1 रख के क्या करेंगे हम उसमें, क्या मोमबत्ती मतलब मोमबत्ती की तरह उसको कहीं रख के जलाएंगे क्या, आप 4 ले जाए 3 मांग लिए, तो एक जानवर पाए 4 और मांगने वाले 8 बहुत ना इंसाफी है, तो
फूफो की तरफ से स्पेशल गोश्त आता है, स्पेशल गोश्त। जानवर खरीदने से पहले उससे पूछते हैं, भाई स्पेशल गोश्त है तेरे पास? जानवर कहता है, बोला ठीक है यही ले लो। आई नो इट्स अ बैड जोक। रान का गोश्त लोगे? रान का? अच्छा भाई, दो ही राने होती है बेचारी। जब ऐसा कुछ हो रहा हो ना तो दिल जला गाना सुन लेना चाहिए फौरन। बस बुझा दिया, अब मैं तो दिखा दिया रास्ता, खुद बगैर बुला दिया। खुद ही जलाए दिए राहों में, खुद ही सभी को बुझा दिया, अब मैं तो दिखा दिया रास्ता, खुद बगैर से अभी सब भुपो पे आ रहे, आपस की बात है, हम सब की अम्मा भी तो भुपो हैं। अब सब लोग चुप। अबे ये तो हमने सोचा ही नहीं, क्या हम भी इतने पंगे पास? क्या हमारे यहां पे स्पेशल गोश्त आता है? क्या हम ही लोग हर मामले में टांग अड़ाते? नहीं, अब सब मासूम बन गए। नींद से हमको जगा दिया, क्या बात है जी। कैसा है, कैसे हो भाई?
मगर क्यों भुला दिया। खुद ही सभी को बुझा दिया, हमें तो दिखा दिया रास्ता, खुद मगर क्यों भुला दिया। कुछ कहे बिना कुछ भी सुने बिना सना लोधी के लिए मैं भी फुप्पो। फुप्पोस जो है बहुत सारी हमारे यहाँ। जी हाँ, अभी ये बन रहा है, कच्चा पका है। जी हाँ, हल्की आंच पे डाला हुआ, चेक करते हैं। अच्छा, तो अब एक सवाल पूछा था मैंने आपसे यार, वो वहां जाएं क्या, वो सितारों को हालो हवालो और जरा, हाँ मोहब्बत की दास्तानें, वो वहशीपन सब लोगों ने कजन्स में इतना उलझाया मुझे, उस तरफ जाने नहीं दे रहे। चला किया अहमद ने डिस्ट्रैक्ट कर रही, बोलो कह रही है जरा बुराइयां कर लेते हैं फुप्पो की, हम सबकी अम्माएं फुप्पो हैं भाई, मसला घर पे आ गया। आप हमें भी कोई फुप्पो का बच्चा कहता होगा ना। भाई साहब ये लाइव चल रहा है तो इसको सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। सबर का बोला था हल्की आंच पे रखो। चलो भैया, अब इससे पहले कि हम सितारों की तरफ जाएं, थोड़ा डांस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जरूरी है, थोड़ा हिलजुल हो जाए ना। हाँ, हिलजुल में अक्सर चीजें बेतरतीब हो जाती हैं, वो चीजें भी हो जाती हैं जो आप नहीं करना चाहते। हाँ, अरे एक मैसेज एक दफा करे, बार बार ना करे, और अपने इंसान होने का सबूत दे कि इंसान आज भी इंसान है। बहुत शुक्रिया, अजीब बात है।
साहब सब आपस में लगे हुए, मुझसे कोई बात ही नहीं। आपस में तुम लोग कर लो बात, मैं कल आता हूँ, ठीक है ना? कर लो तुम लोग। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मैं आपको अब इससे पहले माहौल बनाते हैं, माहौल जी माहौल बनाते ना पहले, समझ रहे हैं आप? सब समझते हैं ये लोग, खतरनाक लोग, माहौल कैसे बनाया जाता है कोई बताएगा नहीं। हर किसी का माहौल बनाने का अपना अपना तरीका होता है। बात करने से पहले जी, Virgo, Aries, Gemini and Capricorn, कौन कौन है? Virgo, Aries, Gemini and Capricorn। और इसकी बाद में आपने फीडबैक भी देनी मुझे। ये चार ज़ोडियक साइंस, Virgo, Aries, Gemini and Capricorn, कौन कौन है आप में से? हेलो पैट्रंस, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना शायद मुझे लाइव वीडियो, कैसा सही आ रहा है ना? अच्छा, उल्टा गाल में क्या कुछ लगा हुआ है? अच्छा, सीधा गाल देखे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मिनट टिश्यू ले लो भाई, वीडियो पे जाना, लोग कह रहे हैं कि हाँ उल्टे गाल पे ना मलाई लगी हुई है, मलाई खाई अरे वो तो खाई नहीं, पता नहीं कुछ लग रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा सही था माशी, अपर लिप, हमारे अपर लिप पे बहुत कुछ होता है, हम सुबह करके चन करके चुन कर देते हैं, कोई मसला नहीं, सुबह अच्छी वाली रगड़ाई करते हैं, रात तक जो है ना अजीब झाड़ियां उगाती हैं, फिर हमारा चलता है। आप अपना सोचें, अपर लिप्पा कुछ खास लाइट हो ना, मूछे वैसे नजर आ रही होती हम सबकी। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, मूछ जो है ना होती हर किसी की है, बताता कोई नहीं।
गुच्छो गुस्तो मूंछों से भरे नैना मूंछों से भरे नैना। अच्छा आगे बढ़ते इससे पहले कि हम मूंछ की पूंछ में फंस जाए आगे बढ़ेंगे We were talking about Virgo, Aries, Gemini and Capricorn. आप खवातीन हज़रात के लिए prediction ये है कि अगले ही हफ्ते में कोई अगले तीन चार दिन में आप experience करने वाले हैं कुछ अजीब सी energy समझ रहे हैं? हाँ, वो वाली energy जिसमें थोड़ा वहशीपन, थोड़ा अपनापन, थोड़ा तीखापन, पनपनापन मजबूरी भी इंसान को क्या कर देती मतलब कितना मैं इसको शुगर कोटेड करूं जितना छुपाता हूं उतना बाहर आता है तो आपसे कहा गया कि इसके बारे में परेशान ना हो ये हाँ ये होता है तो आपके जो गोल्स हैं जिंदगी में वैसे तो हर चीज ही गोल है जमीन भी गोल है तो वो भी आप अचीव करेंगे तो ये उसी की तरफ एक कदम है हाँ तो हम भी उठाएंगे पहला कदम तुम भी उठाओ गिला ये वो सेंसर बोर्ड है जो इतना काटता फिल्म को पता नहीं चलता कि फिल्म शुरू कहां से हुई थी और खत्म कहां पे हुई यही हालत कुछ मेरी भी हो रही है सर मतलब आपके अंदर जो ना कुछ अजीब सी ना वैसी एनर्जी आने वाली है तो अगर आप सोचेंगे क्या मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं तो कोई बात नहीं ये है अंदर आप अली से कहते हैं बींग वर्गो मैं वैसी हूं भैया उसमें कोई बात मतलब कोई है ही नहीं दूसरी राय है ही नहीं ये वो जवाब है जो आप एग्जाम में जो ना अपने पेपर में लेके आते हैं होता कुछ और है याद आपको कोई और जवाब होता है तो दोनों बीच में मिक्स हो जाते हैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जगह आप अपने मोशन का हवाल लिख के आ जाते हैं भाई हमारा तो ऐसा है न्यूटन का पता नहीं लुब्बे लुबाब ये है सम एंड सब्सटेंस ये है कि मतलब एक अजीब सी आप एक नई सी एनर्जी फील करेंगे अपने अंदर जी नए मॉडल की तो परेशान होने की जरूरत नहीं है सिंपल सी बात है जो यार कितने लिब्रा का बताए लिब्रा जो है वही करते रहेंगे मुआ जानी सॉन्ग ही करते रहेंगे अंदर अंदर से इंतजार भी कर रहे हैं और ऊपर ऊपर से नाना भी बोल रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले एरीज के बारे में बताते हैं आपको
आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी जो होती है, जैसे कीमा भरे करेले होते हैं, तो मोहब्बत भरी जिंदगी किस तरह की होती है, कितना वैशीपन आपके अंदर पाया जाता है, हम आपको बताएंगे। Let's go! अच्छा, इसको जो है ना सुनाने के लिए हम माहौल बनाएंगे पहले, तो जी माहौल बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे एरीज के हवाले से, वन बाय वन चलेगा, सबकी बारी आएगी, तो छलांग लगाने से गुरेज करें। जी एरीज वाले लोग काफी एडवेंचरस होते हैं, थोड़े बेसब्रे भी होते हैं, और यही बेसब्री का मुजाहरा आप जी अपने मोहब्बत के मामलात में भी कर लेते हैं। जब मेरे पास भी आते हैं ना, आ जाए ना, तो वहां तो आना तो होता है, तो सबर। और आप हमेशा जो है इन मामलात में इनिशिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, जिंदगी में और कोई काम नहीं आपको। और पता नहीं किस बात की मोटिवेशन होती है आप लोगों को, बस तो आप लोगों की एनर्जी लाजवाब है, एंड माहौल को आप और इन्हांस कर लेते हैं। और सेंसर बोर्ड चल रहा पीछे सा, एरीज की जो है ना, ये कहते हैं कि मोहब्बत की ताकत इनके बालों में या इनकी खोपड़ी में छुपी होती है, इनके सर पे मसाज करो ना, या बालों को तो थोड़ा सा यूं करके, तो ये लोग जी हाँ इनकी बत्ती जल जाती है। तो अगर आपके पार्टनर एरीज हैं तो जी इसको खुशकी हुई है, इसको खोपड़े का तेल लगाओ, सेट हो जाएगा ये। फैजी चौधरी आ गया। अच्छा ये कल से लगा हुआ 20,000 वाला पेट्रियल, ये 20 रुपए वाला भी नहीं है जी। तो एरीज के बारे में बताइए जी, इनकी खोपड़ी का मसाज करें बेहतरीन। अगर आपका पार्टनर जो एरीज है सुस्ती का शिकार है, तो हाँ पहले तो उसके बाल कटवाए, उसके बाद अच्छा वाला जो ना बाबू भाई से खोपड़े का तेल, ताजा नारियल फोड़ के वो लगवाए, ऐसी एनर्जी आएगी भाई साहब। छोटी कहना पूरा शो 20,000, मैंने बता दिया हकीकत बता दी आपको, फिर 20 रुपए मैंने भी दिए, 4 सवर खुद से लगाए। सरल नदी कहते बालों वाली बात सही, देखो मैं बात करूंगा, देखिए आप पहुंचता हूं वहां पे, लेकिन अब आप लोग बस समझने वाले बनाओ, समझदार बहुत है आप लोग। तो भैया एरीज का जो है ना ये खोपड़ी और बालों से बड़ा ताल्लुक है, हाँ इनको अगर इनको मूड ऑन करना हो ना आपको, या ये सुस्ती का अगर मुजाहरा कर रहे हैं मतलब बेदिली का, तो इनका हाँ इनका ऐसा ताजा खोपड़े का ले जाओ तो सेट हो जाएगा। अब खोपड़े
कोकोनट ऑयल, यू नो। और आप लोगों का गाना है क्रेजी इन लव, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। और आप लोगों के बेस्ट पार्टनर्स हैं सजिटेरियस, लियो, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। इसमें मैं भी शामिल हूं। अबे मैं खोपरे का तेल कहां से लाऊं, कहां से मिलता है? हेलो एक मिनट भाई, ये ताजा खोपरे का तेल कहां से मिलता है? कुछ लोग तो अभी से लगता है खोपरे का तेल ढूंढने निकल गए। नहीं भाई नहीं, आराम से सुकून जिंदगी में बहुत अच्छी बात है। ओके, रेलेवेंट गाना। अगला साइन आपको पता ही है कौन लोग हैं, मालूम है ना? इधर गैस करें, कौन है? गैस करो, गैस करो, गैस करना है। ओके
जी नेक्स्ट हमारा जोरिक साइन है वो है टॉरस। जी टॉरस वाले सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने सामने आ सामने भाई, खतरनाक लोग हैं, देख लो इनके और से देखो। टॉरस ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये बड़े रोमांटिक लोग होते हैं, रोमांस इनमें कूट कूट के भरा होता है, लेकिन ये इसमें पहल नहीं करते। हाँ ये हमेशा कहते पहले आप, पहले आप, हाँ बस निकल जाती है चक्कर में। अब कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि इनको घेर के उस तरफ लाती हैं? जी आर्ट, म्यूजिक, फूड, खूबसूरती। हाँ तो आप इनके लिए अच्छी वाली पेंटिंग ले जाया करें बाबू भाई पेंटर से, अच्छे वाले गाने। हाँ वो अपने पास यूएसबी में रखा करें आप। फूड, हाँ फूड गेंडा की ऐप आपके पास होनी चाहिए। ये ऐसे जो है ना, हाँ ऐसे ऐसे काबू में नहीं आते। और जी और ये इनको अगर ये शॉपिंग करना चाहें और तो वो भी सही है, वो भी करवा, मूड इनका अच्छा हो जाता है उससे। और ये लोग इतने सुस्ते थे कि सब कहते कि बस मैंने कुछ नहीं करना, अगर किसी ने जो है मुझसे बात करनी है तो मेरी तरफ है। लेकिन भैया जब इनकी मोहब्बत स्टार्ट होती है ना फिर रुकती नहीं है, ये भी एक अजीब बात है, चलती चले जाए। तो इनको जो है इनके साथ बड़े ध्यान से आप पेश आए, ये बड़े अच्छे लोग हैं। जी आपको मैंने गुण बता दिया, खाना, ब्यूटी, अच्छा म्यूजिक, आर्ट, ये इनकी कमजोरियां हैं। और सॉन्ग आपका है थिंकिंग अबाउट यू, फ्रैंक ओशियन का। बेस्ट आपके जो पार्टनर्स हैं वो है विगो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। तो इससे पहले आपने क्या करना है, आपने घर में हर जगह पे खुफिया स्पीकर लगाने और उसके बाद अच्छे वाले गाने बजा रहे तो ये मूड में आ सकते हैं, खराब गाना लगा तो मूड खराब भी हो सकता है। तो अल्लाह खैर करे। कमल कहती है ये क्या सिखा दिया आपने, फूड गेंडा ही निकलता। देखिए हम लोग अलग हैं। Yeah.
नेक्स्ट जेमिनी। दुनिया अलग चल रही है और फैजी भाई और कवर नदीम जो है ये बहन भाई अलग ही चल रहे हैं ना, एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं। अच्छा चलो लाड़ियां चल रही है ना फुल। एक तो जरा मिला वजह का ओ जो होता है ना ये बड़ा डेंजरस होता है, पता नहीं लगता कि बंदा जो है ना वाकई कंसर्न है या मजाक उड़ा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जेमिनी। जेमिनी खवातीन हजरत क्या बात है आप लोग के, ओए ओए उछल कूद जिंदगी का मेन हिस्सा है, जो समझ जाए आपको दी भाई साहब इतनी उछल कूद। देख के लगता है इंसान आज भी बंदर है, कोई बात बड़ी एनर्जी होती है इनके अंदर जी, इमेजिनेटिव होते हैं जी, हाँ इमेजिन करते रहते हैं मोहब्बत करने के नए तरीके। अगर ये किताब आपने मार्केट में देखी तो इन्हीं लोगों ने लिखी होगी। और ये इतने हड़बोंग होते हैं कि पहले इन्होंने क्या किया था बाद में क्या करें ये भूल जाते हैं। इनकी मोहब्बत हर रोज नहीं होती है, जिद्दत पसंदी। दरख्त पे उल्टे लटक के भी जो ना मोहब्बत कर रहे होते हैं, यहाँ जानू मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, ये अमरूद ले लो। लेकिन ये तो आम का दरख्त है, कोई बात नहीं अमरूद तो चोरी करके लाया जेब में था। अच्छा अच्छा जी जी यमुना खेरे मेरे अब्बा जेब में, हम क्या कर सकते हैं। आम के दरख्त पे अमरूद दे रहे तो ये हमारे जमाई एनर्जी बड़ी होती है, एनर्जी बहुत होती है। तुम अपनी लव लाइफ में नई नई चीजें जो है वो ट्राई करने का इनको शौक होता है। लेकिन इनकी कंपनी में आप बोर नहीं होते, हाँ उछल कूद इतनी कर रहे हैं, एंटरटेनिंग होता है। आप बोलते अच्छा अच्छा बेहतरीन भाई क्या बात है, क्या कलाबाजी मारी है। तो अच्छा ये भी हो सकता है कि बड़ा एक अजीब सा अच्छा सा रोमांटिक सा माहौल हो और ये गप्पे लगाना शुरू कर दें, इधर उधर की बातें करना शुरू कर दें जमाने की, क्योंकि बातें करने की आदत होती है ना, तो ये ट्रैक से हट भी सकते हैं। तो एक चमाट काफी है, टपाक अच्छा वाला मूड माहौल सब खराब कर दिया। ये मोहब्बत में दाल महंगी होगी कहां से आ गई, वो भी मसूर की। हाँ यार रोमांटिक बातें करते करते ना अचानक से मसूर की दाल बहुत महंगी हो गई है, सामने वाला कहता बात सुन ये तो मसूर इस वक्त कहाँ से याद आई ये बता दो मुझे, बस यार पानी की मोटर नहीं चल, अबे तेरी पानी की मोटर लाइन पे ना।
अच्छा दूसरों को बोर कर रहे होते, खुद बोर होने से डरते हैं, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। इंटरेस्टिंग लोग हैं, मजे के लोग हैं, लेकिन होते बड़े जी वैशीपन इनके अंदर बहुत होता है, बहुत सारे पन होते हैं, इसमें एक वैशी पन भी शामिल। इनका सॉन्ग है SM&M बाय रिहाना। ओके बेस्ट इनके पार्टनर्स हैं जेमिनी, एरिस, लिब्रा, लियो, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस। हर चीज में मुझे क्यों डाल देता है भाई तू। कमल नदीम चूंकि जेमिनी है तो ये बता रही है कि जी नदीम भाई अच्छे खासे रोमांटिक मूड में होते हैं और अचानक से जो ना बातें शुरू कर दी। टागी कहाँ गई? टागी पोछा मारना था। अबे ये पोछा मारने का कौन सा टाइम है? नदीम भाई डर जाते कहीं मुझ पे तो नहीं मार रहे पोछा। अगला जो हमारा साइन है वो है कैंसर, तैयार हो जाइएगा। कैंसर जो ना छुट्टी पे चले गए, चल उड़ जा बोले पंछिया तेरे अपने हैं तेरे देश में। जुमना के लिए कोई कैंसर ही नहीं, अभी बताता हूँ आप लोग। भाई साहब सुनो 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 सुनो, एक वीडियो बनी थी ना ऐसे हमारी, सुनो 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 कैंसरियंस का हाल अहवाल। लुबना सलमान भी कैंसर है, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त।
तेरे अपने हैं तेरे देश में। तो सुनो ससुर कैंसरियन का हाल अहवाल, अल्लाह तौबा, सबसे पहले तो सब लोग तौबा करें, तौबा 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 तो नहीं, बड़े अच्छे लोग होते, बहुत जबरदस्त लोग होते, बड़े पैशनेट होते हैं और इनकी छठी हिस जो है वो बहुत तेज होती है, ये बात मैं आपको बता दूं। पहली पांच इसे मरी हुई है तो छठी हिस इनकी बड़ी तेज होती है। और अगर ये इमोशनली कंफर्टेबल है, अच्छा फील कर रहे हैं, तो भैया आपकी खैर नहीं है। जी जी, तो आप इससे बचने के लिए हमेशा उबलता हुआ पानी जो है चूल्हे पर रख दे, ऐसे ही चके चाय बनाएंगे और घड़ी घड़ी याद दिलाते रहे, पानी भर जाएगा। शायद इन्हीं के लिए गाना बनाया, प्यास जलने दो प्यार बढ़ने दो, जालिम लोग, लाजवाब सर्विस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी छठी हिस बहुत तेज होती है, तो बी वेरी केयरफुल। और बड़े क्रिएटिव होते हैं जी, क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है और मोहब्बत में भी बड़े क्रिएटिव होते हैं। ओए ओए, एक टांग पे खड़े होकर इजारे मोहब्बत करते हैं, क्रिएटिविटी है ना। हाँ ऐसे एक जान, आई लव यू, देखो एक टांग, अरे वाह भाई, फिर उल्टी कलाबाजी कहकर फिर दोबारा, क्रिएटिविटी है। ये पंखे पे ऐसे नहीं चढ़ते कि जी गाना अच्छा लगा पंखे पे, ये क्रिएटिविटी है, चेक करें कैसा मिला है आके। ये जी गाना प्ले किया पंखे पे, ये ऐसा नहीं, ये साइन के अंदर है इनके क्रिएटिविटी, खुद पंखे पे चढ़ जाएंगे और पार्टनर बोलेंगे जानू बस यहाँ आज माहौल ज्यादा रोमांटिक है, और बंदा बोले पंखा है झूला थोड़ी है भाई। इनको फूल बड़े पसंद है, जी हाँ, गोभी के चाय क्यों ना, मजाक करो, अच्छे वाले फूल देना, हाँ बेहतरीन। और सेंटीमेंटल गिफ्ट जी, ताजमहल दे दो आप इनको, होलसेल में ना ताजमहल खरीदो बहुत सारे, दिल, हाँ मतलब सेंटीमेंटल गिफ्ट्स। और इवन अगर कोई अच्छा खाना भी खा ले तो इनका मूड अजीब सा हो जाता है, मतलब वैशीपन इन पे तारी हो सकता है, अच्छे बिस्किट खा के भी हो सकता है। ओए होए, आपका सॉन्ग है अडॉन बाय मेगल, आपके बेस्ट पार्टनर्स है कैंसर, विगो, स्कॉर्पियो, टॉरस, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न। कैंसर के बाद है लियो, कौन कौन है, कुछ लियो तो कुछ दियो, वक्त हमारे पास कम है, मुकाबला सख्त हो चुका है। जी लियो वाले खवातीन हजरात, भाई साहब, इनकी मोहब्बत जो है ना इसमें वहशीपन कुछ नेक्स्ट लेवल का होता है। हाँ जी, तो ये मोहब्बत में ना अजीब सी आवाजें भी निकाल सकते हैं जी, जैसे वो टार्जन करता है, टार्जन की वापसी में टार्जन करता है ना, दरख्तों में झूलता है भाई साहब, ये लोग तो इनके मुंह पे ना टेप जरूर लगाना होता है। मोहब्बत के सहारे भी अजीब तरीके से कर सकते हैं, मतलब हाँ नेक्स्ट लेवल हो गया भाई। बड़े पैशनेट होते हैं और इनको जो है मोहब्बत में लुभाना आता है, मतलब ये इनको सब पता है कि हाँ चल उड़ जा बोले
बाल अगर सीधी मांग बनाएंगे तो सही नहीं लगेगा, उल्टी मांग बना के जाओ, ऊपर जेल लगाएगा, पफ लगाएगा, अच्छी लगती है जी। जी क्रिएटिविटी इनके अंदर भी होती है, फन होता है इनके अंदर, सखी होते हैं ये, दिल के खुले होते हैं, बस अपना खाना किसी को नहीं देते। अच्छा सखी सिर्फ मखसूस जगहों पे होते हैं, हाँ बाकी जगह पे नहीं। हाँ आप कहीं समझ रहे हो पैसों नहीं भाई नहीं। ये तो मैंने बाद में पढ़ा, नहीं नहीं ये वही लोग होते हैं, चल क्या याद करेगा। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते, इनके अंदर ड्रामा भी बड़ा होता है ना। हाँ अच्छा वाला माहौल बना, अचानक से ना सास बहू वाला ड्रामा लगा के बैठ जाएंगे बस। हाँ तीसरी एपिसोड देखनी है, क्यों भाई, बस ड्रामा क्रिएट करना है। इनका सॉन्ग है क्रिस ब्राउन का लुक एट मी नाउ, ओ हो लुक एट मी नाउ। और बेस्ट वाले थे इनके एरीज सजिटेरियस लियो जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। अबे मैं हर जगह क्यों पाया जाता हूँ, अबे मैं नहीं खेल रहा। नेक्स्ट है हमारे साथ विर्गो, विर्गो वाले खवातीन हजरात कौन कौन है सामने आएंगे। दो रुपए वाला पैटर्न हमारा फैजी, क्या हाल चाल है। अच्छा ये हर चीज तुमने कह रहे कि अब और किसी मसला एक्वेरियस में, हर चीज में, हर में तो नहीं आया यार, सर में तो नहीं, तीन में आए सिर्फ अगर आप गौर करें तो। ये तो मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों की शर्मिंदगी कुछ कम हो, समझ रहे हो बात को।
पता है कुछ नहीं है, बातें करवा ले, ये ले 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 ले। छठा साइन बता रहा हूँ, इसमें तीन में आया, तीन में नहीं आया। नहीं, वैसे भी हम ना तीन में ना तेरह में, 25 में होते हम लोग। 25 में आओ ना कभी, पता नहीं ये क्या था। आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते वीगो की जी। सबसे पहले तो भैया आपने धोखा नहीं खाना, कि बड़े मासूम होते हैं, सीधे साधे होते हैं भाई साहब। ये वो बिल्ली होती है जो चुप करके बैठी होती है ना, आप कहते ना बड़ी पीसफुल है, एकदम से गोश्त देखते ही झपट्टा। तो अगर आप गोश्त हैं तो झपट्टा पड़ सकता है, मतलब गोश्त बता, मतलब वो इनकी डिजायरेबल चीज अगर आप हैं, मतलब ऐसी शख्सियत आपकी है। तो ये झपट्टे मार सकते हैं, इनकी मासूमियत पे मन्ना जाना, वो आया था ना हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। तो वर्गो वाले भी इसी तरह से होते, देखने में बड़े स्वीट है, सब ठीक ठाक है। हाँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया, हाँ सब खैरियत है। लेकिन भाई साहब अंदर पता नहीं इनके क्या क्या भरे होता है, कीमा भरे करेले नहीं होते जैसे, ऊपर से लगता है यार क्या है इसका, लेकिन अंदर से भाई ऐसा निकलता है ना प्याज और ये हरी मिर्चे, पता नहीं क्या कह रहा हूँ। खैर तो ये खासे जो है ये सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं आपके लिए। ऊपर से ठंड है और नीचे जाएंगे तो जून जुलाई चल रहा होता है, तो उसके बाद जी शख्सियत में तो बड़ा अच्छा बैलेंस रख के चलते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा ये छोड़ू भी बड़े होते हैं ना, वो प्राइड ले रहे होते हैं हर बात में, देखो 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 आपके भाई ने क्या, अबे हट भाई बोल दिया, रिश्ता ही खत्म हो गया यहां तो, आपका भाई। सोचो ये गए हुए अपने उससे मिलने के लिए ना, आगे से जो ना शेख ही बगाड़ता, आपका भाई ना ऐसा एक हाथ से मोटरसाइकिल, अबे भाई किसको बोला तुमने, कौन सा भाई, अबे सॉरी सॉरी ये आदत है मुझे हर चीज में ऐसा कर, अच्छा अच्छा आपका भाई, अबे निकल तेरी तो। नहीं वो तो ये तो हमने इसमें जोक ऐड किया, लेकिन ये कि थोड़ा सा दे टेक प्राइड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ओके तो ये चीज होती है। बाकी ये भी बूढ़ी होते हैं माहौल, जी हाँ सब कुछ होता है। इनका सॉन्ग है क्रेव यू, और बेस्ट बात है इनके टॉरस स्कॉर्पियो वर्गो कैंसर कैप्रिकॉर्न पाइसिस, मैं हूं यहां पे। एक तो पाइसिस हर जगह आ रहा है, ये किसी ने नोट नहीं किया, हमें ही लोग बुरा कह रहे यार, बस ये दुनिया का दस्तूर यही है। जी आपका गाना है क्रेव यू, अब ये गाना कौन ढूंढेगा, जी जी तो आपका गाना हम चेंज करते हैं, तुम हो जमा मेरी जाने जहां, ये रख लो भाई, शुक्र है इसमें मैं नहीं था भाई। बिछड़ जाए जो, बिछड़ जाए जो, कर दिल से जाओ जो, मिलते अब आएंगे लिब्रा, कौन कौन है
ही चुपके से वो दिल में समा जाए। अब एक मैराथन हम रीडिंग करेंगे आप सब लोगों के लिए। लिब्रा हमारे पास है, अगले लिब्रास को अटेंशन चाहिए होती है। अटेंशन प्लीज, दिस कार इज बैकिंग अप। अगर आप अटेंशन लिब्रा को नहीं देंगे तो आप उनकी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो उनको अटेंशन दीजिए। जी हाँ, दूरबीन लेके ना उनके सामने बैठ जाएगा। जानू बहुत गौर से देख रहा हूँ तुम। हाय हाय, जानू भूरे रंग की मूछें हैं। आए हाय, अपर लिप पकड़ आया तुम। हम दोनों में बस मेरा नीचे वाला होंठ लटका हुआ, तुम्हारा ऊपर वाला, बस बाकी तो सब खैर। अबे भाई मुझे पकड़ के ला, मैं कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो इनको टेंशन चाहिए होती है, बड़े पैशनेट होते हैं जी, माहौल मूड जी जी हिसाब से। तो ये इनको तरीके भी आते हैं जी, हम डिफरेंट तरीके। हाँ, ये सर्कस में काम भी करते हैं, एक रस्सी से दूसरे पे कूद कूदा। अच्छा खैर,
तो ये जी हाँ, इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज पाई जाती है जी। बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, पीसफुल होते हैं और मेहमान नवाज भी होते हैं। वेरी गुड, मोहब्बत में मेहमान नवाजी कहां से आ गए भाई। अच्छा थोड़ा सा सुपरफिशियल हो सकते हैं टाइम्स, और इनकी ये होती है कि ये आप अगर उनके सामने बैठे हैं तो आप लेफ्ट राइट इधर उधर मत देखें, चवाट पड़ सकती है आपको लड़कों खास तौर पे, ऐसी पड़ेगी ना, मेरी तरफ देखो उधर क्या देख रहे हो। वो तो अच्छा वक्त ही नहीं पसंद है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं चाहिए होते। आपका सॉन्ग है मी एंड यू बाय कैसे, और बेस्ट आपके पार्टनर्स हैं जेमिनी लिब्रा लियो। अबे अग्रेस फिर आ गया मैं भाई जिमनाई लिब्रा लियो एरीज एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस। अबे अग्रेस क्या कर रहे हो, ठीक कहा था, सारी खराबी हम लोग के अंदर ही है भाई, हर जगह गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है खरीब, बस चंदा लेने आए थे। अच्छा चंदा साइड बोलो। स्कॉर्पियो आप में से कौन कौन है? स्कॉर्पियोज बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जी आप लोग मशहूर हैं काफी भाई। आप जिस भी रिलेशनशिप में होते हैं स्कॉर्पियो बड़े इंटेंस होते हैं आप जी। तो अगर आप उन्हें अचानक से ना कोई 15 साल पुरानी शर्ट में देख लें तो आपको हैरान नहीं होना, क्योंकि इनको ये चीजें पसंद है। अजीब गरीब कुछ करना होता है इनको जिंदगी में, और ये नॉर्मल जो है ना, इनको मोहब्बत नहीं चाहिए, इनको खास मोहब्बत चाहिए होती। हाँ बिल्कुल, डीप फीलिंग्स, और काफी ड्रामा भी होता है इनकी मोहब्बत में हमेशा जी जी रिलेशनशिप्स में, क्योंकि पजेसिव बहुत ज्यादा होते हैं स्कॉर्पियो वाले। बस तुम सिर्फ मेरे हो बस, और पावर को भी यूज करते हैं ये अपनी कंट्रोल करने के लिए अपने पार्टनर को, तो एक्सपेक्ट ये रखें कि बड़े पजेसिव होते हैं ये। ये वही लोग होते हैं जो आपको रात को 2:30 बजे मैसेज कर देते हैं, करके पूछते हैं तुम ऑनलाइन नजर आ रही हो क्या बात है। आपका सॉन्ग है पावर टिप, बेस्ट पार्टनर्स आपके कैंसर स्कॉर्पियो टॉरस वेगो पाइसिस कैप्रिकॉन जी। मेरा सोच रहे थे ना आप, कह रहे थे नहीं नहीं हम नहीं है, नहीं भाई नहीं, बायकॉट कर दिया हमने। सजिटेरियस खवातीन हज़रात बड़े प्यारे लोग होते हैं आप। ओए ओए, बड़े चार्मिंग होते हैं, फ्लर्टी होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं इन, और इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टिंग होते हैं। ये वो घेरू बल लोग होते हैं जो ना आपको खामोखा में शेक्सपियर की मिसालें देख के ना आपको इंप्रेस करते हैं। देखो शेक्सपियर ने अपनी तीसरी किताब गॉन विद द विंड में लिखा था कि जब टेंड होती है तो हवा लगती है। ओए होए आप इंप्रेस हो, वाह भाई क्या इंटेलेक्चुअल बंदा है। उफ जी हाँ, गॉन विद द विंड और तेरी टेंट। अच्छा उसके तो अगर आपके सामने ना कोई इस तरह की चीजें भगा रहा है तो ख्याल कीजिएगा ये सजिटेरियस हो सकते हैं। बड़े एडवेंचरस होते हैं, बेखौफ होते हैं,
और हमेशा नई चीजें ट्राई करते जी हाँ चाहते तो इसीलिए कभी कभी ये पानी की टंकी पे भी सो जाते हैं नई चीज ट्राई करने इसीलिए आप बोर्ड हो सकते हैं अगर आप सेजिटेरियस हैं तो और अगर आप उनके पार्टनर हैं तो आप समझ जाएं कि जी हम आपको सरगस करते रहे उनके सामने जानू ये चेक करो ये देखो ये दे हाँ 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 जानू ये हम माँ बदौलत जो है वो बोर जल्दी हो जाते हैं अच्छा इनके लिए आप पॉजिटिव नहीं हो सकते अगर आप पॉजिटिव नहीं है इनके लिए तो ये आपके साथ ठीक रहेंगे और आपका सॉन्ग है ग्राइंड हिम और बेस्ट आपके पार्टनर्स हैं एरीज जेमिनी सजिटेरियस लिब्रा लियो और पता है कौन एक्वेरियस देखो बातें मैं आपको सही बता रहा हूं अब ये अलग बात है कि देखिए अब मेरी आप ये कला देखें आप हुनर देखें मेरा कि मैं किस तरह से चीजों को हाँ मोल्ड करके आपको बता रहा हूं सब चीजों से बचते बचाते तो अब हमारे पास है कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन बड़े जबरदस्त लोग होते हैं एंड जो इनको इनकी मोहब्बत ही बड़ी सिलेक्टिव होती है मुझे ये पसंद नहीं मुझे अच्छा अच्छा ठीक है ओके तो ये आपके साथ भी बैठे होंगे ना फुट्टा नाप के बैठे होंगे इतना फासला ठीक है हाँ वैसे भी आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है लॉयल होते कहते जी लॉयल होते बड़े वफादार होते कंसिस्टेंट होते और सिक्योर होते ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते लेकिन जो भी काम करते हैं वो कर ही लेते हैं जिंदगी में मतलब चलता है इनका रिलायबल होते हैं कहते हैं ओके इट्स अ गुड न्यूज और आपका सॉन्ग है लेट्स गेट इट ऑन और आपके बेस्ट पार्टनर्स हैं थॉरस वर्गो कैंसर कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो पाइसेस हम देंगे अब आते असल वाले जी हाँ असल एक्वेरियस जी हाँ बड़े इन्वेंटेड और एक्सप्लोरेटरी लोग होते हैं जी हाँ इजाद कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी मोहब्बत में इजादात बड़ी है इनकी जी हाँ इनका नाम जरी गोटे से लिखा जाएगा तारीख में और इनकी जो इमेजिनेशन है वो भी बड़ी ओए होए मतलब समझ जाए एक्वेरियस वाले जज नहीं करते इतने जल्दी आपको और उनके एक्सपेरिमेंटल लाइफ में फेजेस आते रहते हैं जिसमें आपको एट टाइम्स वो लगेंगे बड़े डिस्कनेक्ट है बात तो सही है और एक्वेरियस के साथ रहना इतना इजी नहीं होता जी काफी जी हाँ काफी मुश्किल होते हैं क्यों हो भाई तुम लोग ऐसे तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इजादात जी हाँ तो अजीब गरीब जी हाँ ये इनसे आप चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये अलमारी को देख के भी रोमांटिक हो सकते हैं तो अलमारी हटा दे आप लोग इनका सॉन्ग है Promiscuous, okay. Nelly Furtado. Best partners आपके हैं Gemini, Leo, Aquarius itself, Aries, Libra, Sagittarius. Okay,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस गुन्ने पुन्ने लोग ओए ओए ओके पाइसिस का ये है कि ये इनके अंदर बड़े हुनर होते हैं बड़े गुण होते हैं इनको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती ये अट्रैक्ट लोग इनकी तरफ हो जाते हैं जी हाँ ये वो ना पुराने वाला अतर लगाया होता है ऐसे कान में ना लोग अट्रैक्ट जाते ओहो वाह वाह बड़े रोमांटिक होते और इनकी तारीफ की जाए तो फिर क्या ही बात है जबरदस्त म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं पोइट्री को बड़ा पसंद करते हैं ये लोग और गिफ्ट अगर जिस तरह से फ्लावर आप दे दें या इन्हें कोई परफ्यूम दें तो इन्हें अच्छा लगता है और एक दफा जब इन्हें पता चल जाए कि ये सही पार्टनर के साथ हैं तो ये आप और ज्यादा खुल जाते हैं और ज्यादा आपसे रिलैक्स होकर बात करते हैं बात तो मैं वैसे ही कर रहा हूं आपसे एंड अपने पार्टनर के साथ बड़ा अच्छा जी इनका कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे जी जानू दो बोटियां और ले लो बड़ी नाजुक इनकी जो है सुबह त्याल रहती है मतलब नेचर इनकी बड़ी त्याल होती है तो ये हर्टफुल कमेंट्स और इन तरह की चीजें अक्सर जो है इनसे कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें और इनके अंदर एक खास किस्म की कशिश होती है जी अमकनातीस लगाए होते तीन उन्होंने और अच्छा आपका सॉन्ग है जी बेस्ट आई एवर हैड आपके बेस्ट पार्टनर से कैंसर विगो पाइसिस टॉरस स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न हम लोग नहीं है हम लोग वैसे ही बदनाम आज हम गुजर गए यहां से जो हमारा टाइम था ऊपर आ गया अब इतना कुछ रोमांटिक सुनने के बाद तो फिर बनता ही है प्यार दा मौसम अज ना दर्द जगावे हल्की हल्की बसे बदल और आप तमाम ख्वातीन हजरात को बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज के शो में हमारा साथ दिया ये जो कुछ भी हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी तफरीह तबाह के लिए होता है बाकी और कोई एजेंडा हमारा है नहीं आप खुश रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए महफूज रहे आप सलामत रहे आपके प्यार करने वाले सलामत रहे आप जिनको प्यार करते हैं वो सलामत रहे खुश रहिए।